सोचों में एक सच्चा साफ सुथरा सा ख्याल उभरा कि ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो। ये थी जमीर की वो आवाज जिसने अपना सर उभारा, मुबादा ये शख्स राह रास्त पे आ जाए। लेकिन अफसोस, सद अफसोस। मोजिस नाजरीन, मैं हूँ आरजे सुंदस हयात। नॉवल शिकार की तीसरी किस्त आपकी नज़र कर रही हूँ। आप अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। उसे कुरेदा तो वो भी किसी माहिर शिकारी के हत्थे चढ़ चुका था। उसका पासपोर्ट और $400 कोई इस वादे पे ले गया कि चंद ही दिनों में फ्रांस का वीज़ा लगवा के उसे ला देगा। और अब वो मारा मारा बाकी मांदा पूंजी उस शिकारी को तलाश करने पर खर्च कर रहा था। किंग ने एक बार फिर अपने पासपोर्ट के तमाम कोने देखे, वो महफूज था। वो बेबस शिकार से आगे निकल गया और उस बार में चला गया जहां एक और जाल फैला के उसका शिद्दत से इंतज़ार कर रहा था। यहां शेर को सवा शेर मिल रहे थे। हर कोई एक से एक दलील देकर दूसरे से हथियाने की फिक्र में था। बार में बेशक वही बैठा पी रहा था। किंग ने जर्मनी के लिए पूछा तो उसने माकूल रकम मांगी। फ्रांस, इटली, यूनान, स्विट्ज़रलैंड, बल्कि अमेरिका तक के तमाम भाव उसे बता दिए। किंग बर्जस्ता कहने लगा, इसकी क्या गारंटी है कि आप पासपोर्ट और रकम हमें बरवक्त वापस कर देंगे। वो भी मंझा हुआ था। तुर्की बतुर्की जवाब दिया कि इस बात की आपके पास क्या तसल्ली है कि हम आपको वीज़ा लगवा के दें और फिर आप पैसे ही ना दें। किंग बड़े ही मायने खैज अंदाज में हंस के गया हुआ कि वो आपको अकेला पासपोर्ट भी नहीं देना चाहता। क्या मालूम पासपोर्ट पे लगी तस्वीर का क्या हशर हो। वो हल बताओ जो काबिले कबूल हो। रकम मुंह मांगी लेकिन गारंटी दो। इस तरह हमारा मामला आपके साथ कभी भी तय नहीं हो सकता। बेहतर यही है कि एक दूसरे का वक्त ज़ाया मत करें। अगर काम करवाना है तो लाओ जवानों की तरह खतरे में कूदो, वरना बुजदिलों के साथ हमारी कोई डील नहीं होती। तुम्हें शायद किंग का इल्म नहीं जिसे यूं चैलेंज करके उकसा नहीं सकते। किंग उन जवानों में से हरगिज़ नहीं जो जोश में आकर अपना सब कुछ दूसरों के हवाले कर देते हैं। अपना आता पता दो। एक बात बताओ, तुम अपने आप को किंग बड़े शौक से कह रहे हो। दूसरा कोई भी यहाँ पर तुम्हें इस नाम से पुकारता है? हाँ, बाबा जी पुकारते हैं। फिर तुम्हारे पास यकीनन बड़ी रकम होगी। अगर बाबा जी का नाम लिया है और उससे अभी तक बच निकले हो तो हमसे खतरा कैसा? उससे कम ही नुकसान पहुंचाते हैं। वो तो कपड़े तक उतरवा लेता है। उसके मयार पर पूरा उतरे हुए हो तो बिला खौफ जो काम करवाना है करवाओ। रहा गारंटी का मामला तो यहाँ याद रखो, कोई किसी की गारंटी लिखकर नहीं देता। सब ज़ुबानी कलामी बातें होती हैं और जी भर के दूसरों को ख्वार किया जाता है। अब सब कुछ सुनने के बावजूद भी अगर तुम्हारा दिल चाहे तो पासपोर्ट मेरे हवाले कर दो। घबराओ नहीं, इस पर 2 नंबर वीज़ा नहीं लगेगा क्योंकि रकम हमारी मुंह मांगी होगी। और ना ही ये पासपोर्ट गुम होगा क्योंकि अभी तक काम का वीज़ा किसी ऊंचे मुल्क का इसके सफात पर सब्त हुआ है। 2 दिन तक इंतज़ार कर सकते हो तो करो, तीसरे दिन इसी वक्त यहाँ आकर पासपोर्ट ले लेना। हाँ, रकम आधी पहले होगी। देखो जवान, मैं ये डील करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ धोखा मत करना वरना इसका खुमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये भी याद रखना कि मेरी इस बात को चैलेंज मत बना लेना, क्योंकि ऐसे कामों में इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल होता है। तुम हमारे साथ काम करना पसंद करोगे तो तुमने जमा का सीगा इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि तुम अकेले नहीं बल्कि पर्दे के पीछे पूरा गैंग है। शामिल होना चाहते हो इसी गैंग में तो आ जाओ, इकट्ठे काम करते हैं।
और बगैर कुछ खर्च किए दुनिया भर के वीज़े तुम्हारे पासपोर्ट पर सब्त हो जाएंगे। मुझे मिला सकते हो अपने बिग बॉस से? पहले वादा करो सदक दिल से, फिर मिलवा देता हूँ सबसे। किंग सोचता रहा और उसके फैसले में असबात का अमल दखल झलकने लगा। न हींग लगे न फिटकरी और रंग भी चोखा आए। चलो इस आग में भी कूद के देख लेते हैं शिकार के मजीद गुर। सीखने के लिए उसने कदम बढ़ाए। टैक्सी अनजान राहों पर चल निकली। किंग को जंगल के माहौल की ताकत वाली फिल्में बहुत पसंद थीं, जहां जंगल का बादशाह अपना शिकार खुद करता है। वो इस ताकत को अपने अंदर समोना चाहता था, जहां शेर के आगे दूसरे जानवर बेबस हो जाते हैं। चीते की सी चुस्ती अपने बदन में देखने का मुतमन्नी था। अकाबी आंखों से परिंदों का तबस्सुम ख़त्म करना चाहता था। ब्रेक लगने पर वो इन ख्यालात से बाहर आया। भई अब उतरोगे टैक्सी से? ये कहीं और जाने का इरादा है। ओह, तो मंजिल आ गई। चलिए जनाब, कदम बढ़ाइए। गलियों में चलते चलते अमीराना माहौल की झलक दिखाई दी। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो किस मकाम पे है। लाशौरी तौर पर धुंधली सी तस्वीर दिमागी खुलियों में जमा हो रही थी। घंटी पे उंगली का दबाव और दरवाज़ा खुलते ही ऐसा लगा कि ज़माने भर के छठे दरिंदगी के परिस्तारों की बस्ती में आ निकले हैं। किंग खुद को इन कदावर दरिंदों में कैसे शामिल कर पाएगा? इस लम्हा भर के खौफ ने उसके दिल को कमज़ोर कर दिया, लेकिन उसका इजहार वो चेहरे पर लाना नहीं चाहता था। जूं जूं मुलाकात होती गई, हर शोबे के सरबराहों से बातचीत करके पर्दे चाक होते गए। ये अजीब तर्ज का मखलूत माहौल था, जिसमें तरह तरह के शिकारी एक ही छत के नीचे अपने अपने कारहाए नुमायां दिखा रहे थे। पासपोर्ट और मुख्तलिफ ममालिक के वीज़ों का काम खालिस्तन जवां साल लड़कियों के सुपुर्द था, जो हफ्ते भर की रिपोर्ट तैयार करके अनकरा से इस्तंबुल पहुंचाती थी। उनकी रिहाइश भी तुर्की के दारुल खिलाफा अनकरा में थी। उनमें जेब कतरे भी थे और फ्राडिये भी। औरतों को इस्तेमाल में लाकर दूसरों की नकदी लाने वाले उचक्के, भोले भाले उचक्कों के रूप में राहगीरों की जेबें खाली करवाने वाले किरदार शान तफाखरी में अपनी अपनी दास्तानें दोहरा कर दूसरों से दाद वसूल कर रहे थे। इस दो मंजिला घर में बज़ाहिर शरीफ मगर घिनौनी वारदातों के मुहर्रिक रिहाइश पजीर थे। उनके जेरे साया काम करने वालों की रिहाइश अलग अलग थी। ऊपर वाली मंजिल में बिग बॉस इन सब पे नज़र रखे हुए हर रोज़ एहकामात जारी करता था, और ये सारी मशीनरी मुहर्रिक हो जाती। हर कोई अलग सुबह अपने धंधे पर चला जाता और रात की तारीकी में काम करने वाले सरे शाम ता सहर अपने शिकार की ताक में अपनी तवानाइयां सर्फ करते हैं। कोई भी सरबराह आराम नहीं करता। वो अपने साथियों के कामों पर नज़र रखता है और जहां ख़तरे की घंटी बजती है उनको बरवक्त मुत्तला कर देता है। ये लोग हर काम बड़े संभल कर करते हैं। दूसरे ममालिक से सस्ती गाड़ियां लाने वाले, जिन्हें फेरी वालों का नाम दिया गया है, बड़ी महारत से अपना धंधा चमकाए हुए हैं। असल में इस्तांबुल ही ऐसा दरवाज़ा है जो एशिया और यूरोप के दरमियान फासले ख़त्म करता है। किंग एक ऐसे गहरे समंदर में गोता लगाने लगा था जहां बड़ी बड़ी अफरीतों से उसे वास्ता पड़ेगा। सऊदी अरब से आया सयाह जिसने अपना सारा ज़ातेरा यहाँ लुटा दिया और सिवाय बदनामी के उसके हिस्से में कुछ ना आया, यकीनन इसी गैंग का कोई हिस्सा होगा। ये लोग कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं इसका अंदाज़ा शायद इनमें काम करने वालों को भी ना हो। आओ भाई, बुलंदियों में उड़ने के लिए बलाई मंजिल की सीढ़ियों पर कदम रखते हैं। एक एक सीढ़ी की ऊंचाई बिलाखिर तुम्हें बिग बॉस से मिलवा देगी। किंग का तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। वो मुजरिमाना दिमाग के इस किरदार की जानिब राग़िब था, जो हर रोज़ एक नई चाल चलकर अपना जाल बिखेरे शिकार कर रहा था। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या क्या रास्ते बदलने पड़ते हैं,
किंग ऐसी ही मंजिल का मुतलाशी था। बलाई मंजिल का ड्राइंग रूम काफ़ी कुशादा था, वहाँ के फर्नीचर में खासी दिलकशी थी। ड्राइंग रूम में बैठे हुए अजनबियत का एहसास तक नहीं होता। बिग बॉस से मुलाकात करने वालों का तजस्सुस यहीं दम तोड़ देता है जब मुलाकात से पहले ही उसकी खातिर तवाज़ा में इस कदर मोहब्बत, प्यार और शौक़ समो दिया जाता है कि वो खिदमत गुजार की अदाओं में खो जाता है। वो इस खलूस की चाहतों में गुम खुद को इस मुकाम पे ले जाता है जहाँ अजनबियत ख़त्म हो जाती है और अपनायत का एहसास होने लगता है। हसास खुफिया कैमरों की आंखें आने वाले मेहमान की हर अदा को इस कदर साफ और वाजह कर देती हैं कि बिग बॉस के लिए मुलाकात में आसानी हो जाती है। ड्राइंग रूम में बैठा मेहमान अंदरूनी माहौल को देख नहीं पाता क्योंकि स्याह शीशों की दीवारें हायल हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी हो जाता है कि मुलाकात का वक्त ख़त्म हो जाता है और फिर किसी और दिन का वक्त दे दिया जाता है। ये बिग बॉस की अपनी बिसात पर है कि वो किससे मिलना चाहता है या नहीं। वक्त की सुइयां चलती रहती हैं, लेकिन मेहमान को मसरूफ़ रखा जाता है ताकि इंतज़ार और वक्त की जानलेवा हरकत और सकनात से किनारा कशी रहे। किंग इस माहौल में खोया हुआ था। अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि यहाँ वो क्या कर रहा है और भाई साहब मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए। इस एहसास के साथ ही उसे यहाँ लाने वाला किंग को धोखा नहीं दे सकता। अंदरूनी खलफिशार बढ़ता जा रहा था कि मान बिग बॉस के दफ्तर का दाखिली दरवाज़ा खुला और अंदर आने की दावत दी गई। बड़ी हैरानगी की बात थी कि दावत देने वाला किस रास्ते से बिग बॉस के कमरे में गया। वो तो ड्राइंग रूम वाली सीढ़ी से बाहर निकल गया था और खिदमत गुजारी करने वाली चंचल परी उसे 2 घंटे तक बहलाती रही। दफ्तर के अंदर कदम रखते ही ऐसा महसूस हुआ कि माहौल काफ़ी हद तक ख्वाब आवर है। घूमने वाली स्याह चमड़े की कुर्सी पर कोई भी बराजमान नहीं था, लेकिन कदरे घूमती नज़र आई जैसे चंद सानिये कबल कोई इससे बिछड़ गया हो। किंग के चेहरे से सवालिया निशान की झलक साफ दिखाई दे रही थी। इससे पहले कि वो कोई सवाल करता, बिग बॉस के साथी ने बताया, बिग बॉस किसी ख़ास काम में मसरूफ़ हो गया है, लेकिन तुम्हारे लिए एक नया काम निकल आया है और उसके सरबरा तुम ही होगे। तुम्हारे हर उस काम की जिम्मेदारी जो तुम्हें सौंपा गया वो बराह रास्त उस पर आयद हो गई है क्योंकि मैंने तुम्हें मुतारफ़ करवाया है। जूं जूं तुम्हारे काम की कामयाबियां सामने आएंगी, बिग बॉस से भी मुलाकात हो जाएगी। काम बताने से पहले ये आपको बता रहा हूँ कि तुम आज से किंग नहीं हो। क्यों भाई, ये नाम तुम्हारा दिया हुआ थोड़ी है। इसीलिए तुम हमारे साथ रह के किंग नहीं कहलवाओगे। अजीब ज़बरदस्ती है ये। ज़बरदस्ती नहीं बल्कि अकलमंदी है जिस काम पर तुम जाओगे। पहले काम तो बता दो क्या है। बिग बॉस ने ये भी कहा है कि तुम में तहमल मिजाजी भी होनी चाहिए, तो इसका मतलब है मैं ना बोलूं, सिर्फ अहकामात सुनता जाऊं। जी जनाब, अहकामात सिर्फ सुनने ही नहीं बल्कि उन पर अमली पैरा भी होना ज़रूरी है। आपको कल शाम की फ़्लाइट बैरूत ले जाएगी। बैरूत? ना भाई ना, बैरूत तो जल रहा है। इस्तनबोल तुम्हें छोड़ना होगा और लिबनान में हमारे नए काम के लिए वहाँ का सरबरा तुम्हारा ख्याल रखेगा। आखिर आप बताते क्यों नहीं काम की नोयत क्या है जिसे उसे सरंजाम देना है। देखिए, चोरी चकारी और धोखेबाजी के बुजदिलाना कामों में किंग को कोई दिलचस्पी नहीं और ना ही ऐसे काम उसने ज़िंदगी में किए हैं। अगर बॉस के अहकामात को मुकम्मल तौर नहीं सुन सकोगे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगी। अब खामोशी से सुनते रहना। दरमियान में ख़ता कलामी का मतलब ये होगा कि तुम में तहम्मुल मिजाजी है ही नहीं। अच्छा जनाब, चलाओ बम। तुम अपने पासपोर्ट पर सफ़र नहीं करोगे, तुम्हारा पासपोर्ट तैयार कर दिया जाएगा। तुम्हें बैरूत एयरपोर्ट से लोग ले जाएंगे। जाली करेंसी का काम तुम्हारे सुपुर्द कर दिया गया है।
ये नया काम है, मेरी अपनी दिलचस्पी इसमें शामिल थी, लेकिन शुक्र करो बॉस की नज़र तुम पर पड़ी है। जाली करंसी। लेकिन खामोश, बात पूरी सुनो। करंसी ला के तुम यहाँ दोगे और असली करंसी नोट नफा की सूरत में 25% तुम्हारी जेब में जाएंगे। 1,00,000 अमरीकी डॉलर्स के 5,00,000 जाली नोट तुम्हें दिए जाएंगे जो यहाँ लेके आओगे। यहाँ एयरपोर्ट पर तुम्हें कोई ख़तरा नहीं होगा। अगर मंजूर है तो हाँ करो, अगर नहीं तो अपना काम करो, लेकिन यहाँ की कोई बात कभी किसी से ना करना, क्योंकि तमाम कहानी रिकॉर्ड हो चुकी है। ये सब कुछ एहतियातन हम इसलिए करते हैं ताकि कोई हमें नीलाम ना कर सके। बोलो हाँ या ना, ताकि बिग बॉस को जवाब दिया जा सके। किंग के मुंह से बरजस्ता हाँ निकल गई, क्योंकि इस काम में नुकसान तो है नहीं। जाली करंसी ला के दो और असली नोट अपने हिस्से के लेते जाओ। तो ठीक है, आप ड्राइंग रूम में बैठें, मैं अभी आता हूँ। मुझे बॉस को इत्तला करने दो, फिर इकट्ठे नीचे चलते हैं। किंग ड्राइंग रूम में बैठा अपने फैसले पर नज़रसानी कर रहा था, लेकिन उसे अपने फैसले में कोई खामी नज़र नहीं आई। एक दो बार ये काम करके इतना पैसा कमा लूँगा कि गुर्बत बहुत दूर चली जाएगी। असल में ये लोग किंग हैं, मैं तो अभी तिफले नादा हूँ। उसे अपने पासपोर्ट और रकम की फ़िक्र लग गई। अगर पासपोर्ट इनके पास रख दिया तो न जाने किस तरह इस्तेमाल करें। रकम उनके पास रखी तो चील के घोंसले में मांस कहाँ। ये लोग इतने बड़े गैंग में हर रोज़ दुनिया को लूट रहे हैं, इस लूट मार का हिस्सा कहाँ कहाँ तकसीम हो रहा है। रिस्क हलाल वाला मसला तो है ही नहीं, और रिस्क हराम में फलने फूलने की कितनी कशिश है कि तन आसानी में रकम बढ़ती ही जाती है। क्या इन में से कोई कभी पकड़ा नहीं गया? ये हर शोबे में इस कदर धसे हुए हैं कि कोई भी टस से मस नहीं होता। अब ये नया शोबा जाली करंसी, और वो भी शोलों की लपेट से लेकर आना, अजीब सी सूरत हाल है। इसके लिए बिग बॉस ने उसे ही क्यों चुना? हैरानगी है, उसकी नज़र पुराने खदमत गुजारों पर क्यों नहीं पड़ी? लिबनान के शोलों से दूसरों को डर लगता होगा इसलिए, लेकिन मेरा बदन क्या लोहे का बना हुआ है जिस पर आग असर नहीं करती? और ये बिग बॉस है कौन, किस तरह का है, और कौन से मुल्क की मखलूक है? उसके साथ अज खुद उसने बात क्यों नहीं की? क्या मसला दरपेश था? गालिबन भरोसे की बात होगी। एक आध बार उसका काम देखकर भरोसा करने वाला किरदार बजाते खुद कैसा होगा? नाजुक हसासी कामों पर सनफे नाजुक लगा रखी हैं। इस गैंग की जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं? बड़े चुपते हुए सवालात और उनका हल वो खुद ही तलाश कर रहा था। पासपोर्ट और रकम की बात पर वो आके यूं रुक जाता जैसे आगे रास्ते मसदूद हो जाते हैं। खैर, होटल में जाके रात भर सोच कर कोई ना कोई हल ज़रूर निकल आएगा, वरना यहाँ से इतनी दूर उसे ले जाना होगा जहाँ इस गैंग के पुजारी इस तक ना पहुँच पाए। वो घर से निकला किस लिए था? पैसा कमाने? तो फिर बैरूत उसे जाना ही होगा। देखें तो सही, आग के शोलों में भस्म होते अजसाम क्या तमन्ना रखते हैं, उनकी बर्बादी का सबब क्या है, यकजहती क्यों नहीं हो पाई, और अभी तक वो महकूम क्यों हैं? उसने सर को झटक दिया और फिर से सुनहरी रुपेहली करंसी की क़ुव्वत में खो गया। पैसा होगा तो सब कुछ आएगा। अगर किंग के मकाम तक रसाई हासिल करनी होगी तो पहले पैसा, वरना गुर्बत और बुजदिली की ज़िंदगी से क्या हासिल? ये बात तो उसको किसी तरह भाती तक नहीं थी कि गुर्बत का ठप्पा उस पर लगे। जी जनाब, चले नीचे। अच्छा, तो आप आ गए, बॉस को इतला दी है? बिल्कुल जनाब, अब आप यहीं रहेंगे। ना ना, अभी नहीं, आज रात अपने ठिकाने पर। होटल से सुबह नाम कटवा कर सीधा बैरूत।
और वापस आकर इस मंजिल में। चलें जैसे आपकी मर्जी, लेकिन इस घर का पता चल जाएगा। अभी तक तो उस घर का पता मुश्किल है, लेकिन कल ठीक दोपहर 12 बजे जहां आज मुलाकात हुई थी वहां पहुंच जाऊंगा। तुम्हारे बैग में तुम्हारी तस्वीर है पासपोर्ट साइज की? हाँ है। तो दो तस्वीर दे दो यहीं पर, और नीचे किसी किस्म की कोई बात नहीं करना अभी। ये लो भाई दो तस्वीर। तुम्हारा नया पासपोर्ट नए नाम के साथ तुम्हें कल मिल जाएगा। ये ख्याल रहे कि वक्त की पाबंदी रखना और साथ किसी ऐरे गैरे नत्थु खैरे को ना लाना, वरना तुम्हारा नया पासपोर्ट तुम्हें जेल की चक्की पिसवाने का मौजब बन सकता है। देखो भाई, तुम किंग को कदम कदम पे ये धमकी आमेज फिक्रों से मत नवाजो, वरना आप अपने घर और वह मजीद अपनी राहें खुद इस्तवार कर लेगा। गलत मतलब मत लो, हिफ्ज़े मात कदम इन अल्फाज की सच्चाई को मद्देनज़र रखना अशद ज़रूरी है। काम करने वालों के कुछ कवायद व ज़वाबित होते हैं जिन पर कार्बन रहते हुए तरक्की की राहों पर गामजन होना होता है। तुम्हारी तरह यहाँ का हर सरबरा अखड़ मिजाज और नोकीला पत्थर बन के आया था, और आज बड़ी तहमुल मिजाजी से अहकामात पर अमल करके आराम व ऐश की ज़िंदगी बसर कर रहा है। जाली करेंसी की बुनियाद तुमसे रखी जा रही है। अब ये तुम्हारी अकल का करिश्मा होगा कि इस बुनियाद पर कैसी इमारत इस्तवार करना चाहते हो। ये अपने दिमाग से निकाल दो कि नोट दरख्तों पर लगे हुए होते हैं। हर काम में ख़तरात मौजूद होते हैं, और इन ख़तरात से निमटने के लिए एक अच्छा प्लान बनाकर मुश्किलात से नबर्दाजमा होकर फातह बनना ही सरबरा का काम है। बहती नदी में बर वक्त जो नहा लेता है वही सेहतयाब रहता है। बेवकूफ़ों जैसी सोच तबाही का पेश खैमा होती है। अपने राज दूसरों तक पहुंचाना भी शिकस्त का मौजब बनता है। जो काम दिया जाए और उसकी हदूद भी बता दी जाए तो उनसे तजावज़ करना मौत के मुँह में जाने के बराबर है। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे होटल तक छोड़ आता हूँ। आज से तुम वो नस्ली घोड़ा हो जिस पर बिग बॉस ने पैसा लगाया है। अगर दौड़ में कामयाब ना हो सके तो बिग बॉस दूसरा चांस नहीं देता। भाई साहब, कितना बर्दाश्त करूँ, आखिर बिग बॉस से आप मिलवा क्यों नहीं देते? अरे पगले मत बनो, देर आए दुरुस्त आए। चलो आओ नीचे चलें। अब नीचे उतरते हुए तुम्हें सीढ़ियाँ गिनने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम तरक्की की मनाजिल तय कर चुके हो। अब जल्दी जल्दी सबको खुदा हाफिज़ कह के बिना किसी तमहीद के टैक्सी लें और होटल चलें। सबसे मुलाकात करके उस गली से शरीफाना अंदाज में वो बाहर निकले। टैक्सी लेकर मुख्तलिफ़ शाहराहों में घूमते होटल के करीब पहुँच गए। लो भाई, तुम्हारा ठिकाना आ गया। तुम जाओ होटल में और मैं चला तुम्हारे पासपोर्ट के लिए। मेरे पासपोर्ट के लिए इस वक्त? जी जनाब, आपको अपना असली वाला पासपोर्ट चाहिए या आपकी मर्ज़ी पर मुनासिर है, जिस तरह बिग बॉस का हुक्म। शाबाश, अब की ना बात, बस अब टैक्सी से उतर जाओ। टैक्सी अपने राहों का तायुन करके आगे चल दी, और किंग भारी कदमों से होटल की जानिब कदम बढ़ा रहा था। इस्तकबालिया से कमरे की चाबी लेकर वो अपने कमरे में मुकैद हो गया। चारपाई पर लेटकर छत को घूरते हुए उसे मुख्तलिफ अशकाल दिखाई दे रही थी। जंग का नक्शा बदस्तूर उसको मना कर रहा था कि गलती मत करो, लेकिन यहाँ भी तो वो शोलों की भेड़ चढ़ चुका था। करवटें बदल बदल कर नई से नई सोच पर उसका रद्दअमल बिलाखिर उसे मजबूर करता कि उसे ला महाला इस गैंग में शामिल होना है, क्योंकि इसके बगैर कोई चाराकार नहीं कि वो कामयाब व कामरान ज़िंदगी बसर कर सके। इन बुरे कामों की सज़ा पे उसने कभी गौर नहीं किया था। बस एक तरफा की उड़ान ही उसे बड़ी दिलकश नज़र आ रही थी। एक सोच उभरी कि पासपोर्ट पोस्ट ऑफिस बॉक्स में महफूज कर दे,
या साथ ले ले। साथ ले जाने में अगर चेकिंग हो गई तो सारे का सारा खेल चौपट हो जाएगा। एक खदशा था, दूसरी सोच उभरी कि तमाम रकम कहाँ रखूँ, आया किसी बैंक में जमा करा दूँ या साथ ले लूँ। साथ रकम ले जाने का ख़तरा वो मोल नहीं लेना चाहता था। यहाँ के कवानीन क्या कहते हैं इस पर भी अमले पैरा होना होगा, वरना रकम भी जाएगी और पासपोर्ट भी। रात के पिछले पहर तक तानों बानों में कोई हल ना निकल सका। जूं ही नींद का गलबा होता एक नई सोच जन्म ले लेती। इन सोचों में एक सच्चा साफ सुथरा सा ख्याल उभरा कि ये सब कुछ तुम क्यों कर रहे हो। ये थी वो ज़मीर की आवाज़ जिसने अपना सर उभारा, मुबादा ये शख्स राह रास्त पे आ जाए। लेकिन अफसोस सद अफसोस, इंशा जी की बात पुरानी लगी और आने वाहिद एक ही जिस्म में खाकस्तर हो गई। अच्छी सोच की धूल तक नज़रों से गायब हो गई। इंसानी सोच और आदमी की लामतनाही ख्वाहिशात में जिस कशिश का पल्ला भारी रहा, किंग उसी जाने चल दिया। तहज्जुद गुजार तो वो था नहीं जो इस वक्त ज़मीर से निकली आवाज़ पे लब्बैक कह देता, वो तो शैतानी ना खुदाओं का परिस्तार था। अभी तक जागने का मकसद दौलत के ढेर लगाकर उन पर वो सोना चाहता था, सोने चांदी के बर्तनों में तिनावल फरमाना चाहता था, बांदियों की कतार और कुर्सी बादशाहत पर विराजमान होकर अपने अहकामात जारी करना चाहता था। अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा ऐश और इशरत में गुजारना चाहता था। उसने अपने माजी पर नज़र दौड़ाई, कहीं भी मात नहीं हुई। यहाँ तक कि दुश्मनी में भी वो सरबस्ता होकर खुद को निचली सतहों पर देखने का आदी नहीं था। लेकिन पहली बार किसी ने उसे पाकिस्तान में उस वक्त धोखा दिया जब वो मज़हब को सामने रख कर लोगों से फ्रॉड से हथियाया पैसा लेकर गायब हो गया। आज फिर से वही मकाम आ निकला है। क्या ये लोग भी वैसे ही हैं, दगा देकर रकम बटोर के दयारे गैर में गायब हो जाएंगे? इसीलिए ज़रूरी है कि अपना पासपोर्ट और रकम कहीं महफूज हो जाए। इन लोगों पर भरोसा तो नहीं किया जा सकता, क्या मालूम कब और किस वक्त ये डेरा समेट ले और मुंह उठाए किसी और जानिब निकल जाए। नींद की देवी ने हल्का सा सुरूर आंखों में बरपा कर दिया और किंग उसकी आगोश में वतन अजीज पर कदम बोसी कर रहा था। अपनी प्यारी माँ की गोद में सर रखे, दुनिया और माफिया से बेखबर, बड़े सुकून की नींद से मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हो रहा था। उसे दुनिया के हर काम हेच लगे। ये लम्हात असल में उसकी तमन्नाओं, खुशियों और मुसर्रतों का मुंह बोलता सबूत थे। माँ की ममता चहक उठी, बेटा क्यों दूर चले गए थे? तुम्हें ख्याल तक नहीं आया माँ से दूर जाके कैसे ज़िंदगी बसर करोगे? और एक माँ के दिल में झांक के देख लिया होता कि वो कौन सी उदासी में ख़ुद को ख़त्म कर रही है। तुम्हारा बाप अकेला रह गया था तुम्हारे बिना, तुम्हारी जवानी पर ही तो वो हिम्मत से हर तरफ घूम फिर लेता था।